भजन संहिता अध्याय 21 विजय प्राप्ति पर स्तुति गान। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा और तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है और उसके मुंह की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि तू उत्तम आशीष देता हुआ उससे मिलता है और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है। तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को ढूंढ निकालेगा, तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा लेगा। तू अपने मुख के सम्मुख उन्हें जलते हुए भट्टे के समान जलाएगा। यहोवा अपने क्रोध में उन्हें निकल जाएगा और आग उनको भस्म कर डालेगी। तू उनके फलों को पृथ्वी पर से और उनके वंश को मनुष्य में से नष्ट करेगा, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे, क्योंकि तू अपना धनुष उनके विरुद्ध चढ़ाएगा और वे पीठ दिखाकर भागेंगे। हे यहोवा, अपने सामर्थ में महान हो, हम गा गा कर तेरे पराक्रम का भजन सुनाएंगे। अध्याय 22 मनोव्यथा की पुकार और स्तुति गान। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता। परंतु तू तो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और होठ पिचकाते और यह कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तब ही से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर ना हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठिकरा हो गया, मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा। हाँ, जंगली सांडों के सिंगों में से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इज़राइल के वंश, तुम उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुंह छुपाता है। पर जब उसने उसकी दुहाई दी,
तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वाले के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे। जो यहोवा के खोजी हैं, वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे, क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा यह कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। अध्याय 23। यहोवा मेरा चरवाहा। दाऊद का भजन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। अध्याय 24। महिमामय राजा। दाऊद का भजन। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाट को अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। अध्याय 25। अगुवाई और रक्षा के लिए प्रार्थना। दाऊद का भजन। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वास खाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा, अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण ना कर, अपनी करुणा ही के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। वह नर्म लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नर्म लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चित्तौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करना और सच्चाई है। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है? यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। वह कुशल से टिका रहेगा
और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है, क्योंकि वही मेरे पांवों को जाल में से छुड़ाएगा। हे यहोवा, मेरी ओर फिर कर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं अकेला और दीन हूँ। मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। तू मेरे दुख और कष्ट पर दृष्टि कर और मेरे सब पापों को क्षमा कर। मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। खराई और सिधाई मुझे सुरक्षित रखे, क्योंकि मुझे तेरी ही आशा है। हे परमेश्वर, इज़राइल को उसके सारे संकटों से छुड़ा ले। अध्याय 26। एक खरे व्यक्ति की प्रार्थना। दाऊद का भजन। हे यहोवा, मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा हूँ और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। हे यहोवा, मुझको जांच और परख, मेरे मन और हृदय को परख, क्योंकि तेरी करुणा तो मेरी आंखों के सामने है और मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलता रहा हूँ। मैं निकम्मी चाल चलने वालों के संग नहीं बैठा और ना मैं कपटियों के साथ कहीं जाऊंगा। मैं कुकर्मियों की संगति से घृणा रखता हूँ और दुष्टों के संग न बैठूंगा। मैं अपने हाथों को निर्दोषता के जल से धोऊंगा, तब हे यहोवा मैं तेरी वेदी की प्रदक्षिणा करूंगा, ताकि तेरा धन्यवाद ऊंचे शब्द से करूं और तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूं। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हथियारों के साथ ना मिला। वे तो ओझापन करने में लगे रहते हैं और उनका दाहिना हाथ घूस से भरा रहता है, परंतु मैं तो खराई से चलता रहूंगा। तू मुझे छुड़ा ले और मुझ पर अनुग्रह कर। मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर है, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। अध्याय 27। परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार। दाऊद का भजन। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिसे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा, तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की छप्पन ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जो होता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जो होता रह। अध्याय 28। सहायता के लिए प्रार्थना। दाऊद का भजन। हे यहोवा, मैं तुझी को पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं, जो मृतक लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुहाई दूं
और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करनी की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रह। अध्याय 29। आंधी में परमेश्वर की आवाज, दाऊद का भजन। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है, यहोवा की वाणी प्रतापमय है, यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबानोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है, वह उन्हें बछड़े के समान और लबानोन और शिरियोन को जंगली बछड़े के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन को भी कपाता है। यहोवा की वाणी से हरनियों का गर्भपात हो जाता है और अरण्य में पतझड़ होता है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता रहता है। जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। अध्याय 30। धन्यवाद की प्रार्थना। भवन की प्रतिष्ठा के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय में कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा ठाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। अध्याय 31। परमेश्वर में भरोसे की प्रार्थना। प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित ना होना पड़े। तो अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है।
मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कराते कराते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मृतक के समान लोगों के मन से बिसर गया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है, मेरे दिन तेरे हाथ में है। तू मुझे मेरे शत्रु और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृतक लोक में चुपचाप पड़े रहे। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाए। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तूने दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी गोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़ वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करना की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी, तब तूने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन लिया। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे।